दोस्तों आपकी वर्ड फाइल है और आप अपनी वर्ड फाइल के अंदर मल्टीपल बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएं। जैसा कि दोस्तों यहां पर काफ़ी पेजेस है, हम इसके अंदर मल्टीपल बैकग्राउंड लगाएंगे, तो आपकी भी इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी कंप्यूटर हिंदी। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डालने के लिए हम जाएंगे अब इंसर्ट के अंदर। यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हम एक शेप को सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल। एंड रेक्टेंगल शेप को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस का आइकन आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ड्रैग कर देना है अपने पेजेस को। अभी ये आधे पे कवर हुआ है, इसको नीचे खिसकाइए, आप पूरे पेज को ले जाइए, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको सेव फिल मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी कलर मिल जाएंगे, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको मनपसंद है डालना है। मैं ये ले लेता हूँ। एंड आपको यहाँ पर मिलेगा फिर रैप टैक्स के नीचे मिलेंगे आपको यहाँ पर बिहाइंड टैक्स, आपको ये ले लेना है। तो यहाँ पर पहला कलर हमने डाल दिया है, अब आपको सेकेंड में दूसरा कलर डालना है। तो आपको कंट्रोल की दबाकर माउस का लेफ्ट बटन दबाकर ड्रैग कर देना है नीचे। ड्रैग करने के बाद इसको नीचे ले जाना है और यहाँ से सेकंड कलर ले लेना है। तो यहाँ है फॉर्मेट, यहाँ पर है फिल, तो कोई भी आप सेकंड कलर ले लीजिए। एंड आपको थर्ड लेना है, फिर से आपको कंट्रोल दबाकर पेजेस को नीचे ले जाना है, इस तरह का एरो आ जाएगा और फिर से आपको ये ड्रैग कर देना है। और यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं, यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने मल्टी कलर डाल दिए हैं तीनों पेजेस में। ये देखिए फर्स्ट में हमने ये डाला है, सेकंड में ये, थर्ड में ये। तो इस तरह से आप एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में मल्टी कलर बैकग्राउंड डाल सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपल सा आपको सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट बटन दबा देना है, तो ये पर्टिकुलर बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एमएस वर्ड के अंदर मल्टी कलर बैकग्राउंड को डाल सकते हैं और उसे ज़रूरत पड़ने पर डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।